हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि मैं बाड़मेर गया था और मैंने लगभग जाते वक्त 400 450 किलोमीटर कार चलाई थी और 20% 20 क्या 30% लोकलिटी में होगा और 70% हाईवे था जिसपे मैंने 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कार चलाई है। तो ओवरऑल 450 किलोमीटर कार चलाई है, तो उसमें आप देख सकते हैं मेरी पेट्रोल कार का माइलेज कितना है और ब्रेकिंग ज़्यादा हुई नहीं, ट्रैफिक था और ट्रैफिक में ये जो अजमेर रोड है ब्यावर से पहले किशनगढ़ अजमेर तक, जयपुर से किशनगढ़ अजमेर तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रक ही ट्रक थे और ये पुलिया का काम चल रहा है, जो ROB बन रही हैं उनका बहुत काम चल रहा है, तो उसमें कम से कम आधा आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा है मेरे को 3-4 जगह। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी सिचुएशन के बाद भी मेरी कार ने कितना माइलेज दिया है। तो आइए अपन चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी कार कितना माइलेज देती है अगर इतना चल जाती है तो। ठीक है, आइए अपन चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आपको 450 किलोमीटर पे आपको लगा है कि मेरी कार ने 23 का माइलेज दिया है और ये कम माइलेज नहीं है, बहुत अच्छा माइलेज है पेट्रोल की कार के हिसाब से, और एक्चुअल में भी इतना ही है जितना MID में शो करता है, जैसा कि आप देखे होंगे। और मैंने उसका हाईवे का बनाया नहीं है, वैसे आप शॉर्ट्स वगैरह में देख लेना, वही हाईवे के सीन्स हैं जो चल रहे हैं। रोड बहुत अच्छी है, ब्यावर के बाद में खुला ही खुला एरिया है, जैसे पाली होते हुए सोजत होते हुए अपन बाड़मेर में मुड़ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीट बेल्ट हेलमेट का ध्यान रखें, रूल्स फॉलो करें। थैंक यू।